Assalamualaikum, beautiful people, welcome back to another video. जनाब क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई भी फिट फाट है। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि जनाब साहब आपको बताया ऑटो शो के बाद जो है वो कल स्विफ्ट के लिए हम चले गए, तो आज जो है इसका जनरेटर फारिग हो गया बिल्कुल ही, आवाज़ें धड़ा धड़ कर रहा है। वही साहब हो जाता है मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास जाके भाई जान जो है ना आवाज़ ही नहीं करते, पता नहीं क्या इशू है। तो आज मैंने कहा यार ये बेशक आवाज़ ना करे, इसको जाके चेक कराने की गाड़ी हल्का हल्का जो है ना करंट भी मिस कर रही है। तो जनरेटर का मेन काम होता है गाड़ी में करंट को पूरा करना और उसके बाद बैटरी को चार्ज करना। जनरेटर ही नहीं चलेगा तो कोई काम ही नहीं चलेगा। तो आज को इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और एक मिनट आपके लिए एक और मज़े की खबर है कि गाड़ी भी हम कोई स्टीकर सोच रहे हैं वन साइडेड, जिस तरह आजकल गाड़ियों में लगा हुआ ना वन साइडेड स्टीकर हाफ गाड़ी पे या साइड पे, तो ये सोच रहे हैं। वो भी दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा लगवाना है, वो भी आजकल में लग जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो आज के मतलब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो अभी ना ये जो है ना डैशबोर्ड, ये भी सही करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि डैशबोर्ड को हम घर कैसे सही कर सकते हैं, ये भी तरीका मैं बताऊंगा। तो अभी गाड़ी को मैंने कॉल स्टार्ट की, गाड़ी की आपको सूरत हाल दिखाऊँ भी, मैंने आ जाके कल परसों वॉश करवाई है। मिट्टी चेक करें, ये मिट्टी ये देखें, और छत पे तो लहदे ही भाई, मिट्टी का टेक्स्चर बन गया। ये देखें ऐसा लग रहा है कि कोई हमने स्पेशल पेपर लगवाया है वैसे ऊपर। कोई नहीं जी, होप फॉर द बेस्ट है। गाड़ी लग कितनी प्यारी रही है यार, अगर आपको चेक कराऊँ, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। पर वो देखें ये जनाब सर रगड़ते रहते हैं हम नीचे की गाड़ी, लो करवा ली है ना, और ज़्यादा करवानी है भाई अभी तो रिम के बाद। तो आई आज के लोग को बस स्टार्ट कर लें, अब निकलते हैं। सबसे पहले इस हाथ को पिक करना है, डोडो की प्लेट एक यही बड़ी है, गिर गई थी शो वाले दिन, तो जल्दी से चलते हैं यार, कोर्स स्टार्ट काफ़ी हो गई है। और गाड़ी मैंने आपको बताया था ना ये मैट्स इसलिए गंदे होते हैं, ये देखें इस शह से गंदे होते हैं कि बाहर से दस जो है ना मिनट में मिट्टी वाले पैर आने हैं और गंदे हो जाने हैं। तो जल्दी से चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टॉप इस पेट्रोल पंप, देन सेकंड स्टॉप इस हाथ को पिक करना है, फिर थर्ड स्टॉप होगा काम के लिए। फाइनली जब हम निकल चुके हैं पेट्रोल वगैरह डलवा के, तो यार एक और सीन हो गया, कि मुझे जो लग रहा है जनरेटर वाकई थोड़ा सा करंट शॉर्ट कर रहा है, क्योंकि ना गाड़ी हल्की सी पिक कम कर रही है। तो इसका जो है ना जाके देखते हैं कि जनरेटर का बैरिंग डलने वाला है, वीक है नहीं है, क्या हिसाब है। और यार जो वैनियल है ना, जो रैप अभी आपको दिखा लिया वाल साइड का, सॉरी यार मुझे ना जुकाम हुआ है, बोतलें टड्डी पी के ना। तो जो इसका जो स्टीकर है ना जो हमने वन साइडेड लगाना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक रोला पे लगा हुआ बड़ा प्यारा लग रहा है, वो भी मेरे वाला ही मॉडल है वो ना। तो मैं आप Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand myself. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold. तो फाइनली भी हम अस्थान की तरफ पहुंच चुके हैं। और यार यकीन करिए ना, थोड़ी सी पीछे से देखिए मलबा भी पड़ा हुआ है, इन्होंने रोड तोड़ी हुई है पीछे से, यकीन करिए इतनी मुश्किल से आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया जाते हुए अस्थान की तरफ, वरना कोई 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, 10 मिनट की ड्राइव है अस्थान के करना, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अस्थान को बताते हैं भैया रोडमन वाले यार साथ वाला आला बड़ा औखा हो गया भाई, और ना ये गली के कॉर्नर पे इतना बड़ा एक पोर्ट होल है, इतना बड़ा खड्डा है कि उसका कुछ भी नहीं कर सकते हम। इस टाइम बस अस्थान का वेट किया जा रहा है, वो सामने घर से बाहर आएगा, ये यहाँ से आ जा यार, बंद ही कर लेते हैं लगता है, बंदे वालों को परेशान नहीं ना करना साउंड से, बफल की बंद कर लेते हैं जब तक आता है, उसका वेट करते हैं कि अस्थान भाई जल्दी आ जाओ, साथ ब्लॉग देख रहे हो तो यार जल्दी आ जाओ यार, मतलब ये तो मेरे ख्याल आज रात को अपलोड होगा, आपने तभी आना। अस्थान का ना एक स्लोमो बनाते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या, उसके बाद में एडिटिंग के टाइम में हल्का सा जो है ना गाना लगा देंगे। तो आए तो सही, पहले हीरो आ रहा है सामने से, ये अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, क्या हाल चाल है, कैसे आप? कौन सी हैं यहाँ पे, खाली हाथ आते हैं खवातीन नहीं है चार हजरात, कैसे हैं आप? ठीक है, चलो चलें फिर यार। जनरेटर आवाज कर रहा है, अभी आवाज बंद हो गई है कि सीन है यार, कोई जनरेटर केड़ा पानी रेडिएटर नहीं लगा, जनरेटर बेल्ट पे नहीं डाल रहा यार, बड़ी गंदी आवाज आ रही थी, चला ट्राई कर लेते हैं एक बार।
यार जैसा आपने क्लिप देखा होगा स्नात कैसे गुजरती है गाड़ी रोड से यार, बहुत मुश्किल है बड़ी। यकीन करें वो जो पिछला जो एक क्लिप रिकॉर्ड हुआ ना वहाँ पे तो लग गई थी गाड़ी, मैं कहा गई यहाँ भी नहीं बचती, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है काम भी लगी है जहाँ पे वो नहीं बना क्लिप। हाँ वो क्लिप नहीं बना, वहाँ तो रगड़ी गई थी, वहाँ बिल्कुल रगड़ी गई थी, मैंने कहा गई क्योंकि टेंशन में एकदम मैंने क्लिप बनाना हूँ उनका मुझे याद ही नहीं रहा। कोई नहीं यार दुआ करें, किट हमारी बची थी अभी कुछ दिन ही हुए पेंट कराइए, क्यों अभी कुछ दिन ही हुए पेंट का, लेकिन अब ब्रेकर आ गया ना, अब ब्रेक हाँ परसों ही अब ब्रेकर आ गया ना, अब यहाँ से गुजरती नहीं है, अब ब्रेकर आ गया यहाँ से गुजरने इतना औखा हो जाता है ना गुजारना कि भाई अब तैयार गाड़ियाँ चलानी है उसके लिए सैक्रिफाइस तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, नाथ खरीदना पड़ेगा और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा। यार पहुंच चुके हैं अभी हम सुजान भाई की वर्कशॉप पे और हमजा चेक कर रहे हैं। हाँ जी हमजा जी क्या सीन है जी, अभी तो कोई जनरेटर के बारे में यार उस दिन बड़ी गी 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 करती वाजे कर रहा था, ये बेल्ट वगैरह देख लीजिए ना, हो टाइट कर दे फिर बेल्ट वगैरह टाइट कर दो क्योंकि ना मुझे लग इसमें वो रॉड रख के वाइब्रेशन नहीं चेक कर लोगे, ये रही है कि सीसी आवाज़ है स्टार्टिंग में इनके ना अंदर से 10 के टीले क्या, नहीं वही हिसाब हो गया है जब बंदा कोई गाड़ी का काम कराने जाए ना उसके बाद भैया वो आवाज़ ही बंद हो जाती है, पहले आ रही थी उन्हें आवाज़ ही नहीं आ रही की करिए यार डर रहा मारा डर है ऐ मन लगता है भैया भाई का डर है कहना लै भी बड़ा काम होने लगा गड्डी का, चलो गड्डी में इस तरह तो ही होना चाहिए कम नहीं करना चाहिए लेकिन यह तो अनएक्सपेक्टेड ही कम हो गया यार। ये देखिए जी हमारे मशहूर टेक्निकल बंदे आए हैं वो राड रख के चेक कर रहे हैं कि हैंडफ्री से उनको आवाज़ आती है कि नहीं। हाँ जी आ रही है, ये हेडफोन हमें भी खरीद दो यार सरी हेडफोन। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 नाइस। हेलो बाकी नहीं है कंप्रेसर वगैरह जब हम आते हैं कोई ना कोई काम। हाँ जी किस चीज़ की रिले है ये, रिले ग्रिप चेंज करनी पड़नी है, ये रिले है किस चीज़ की, नहीं मसला कोई खास नहीं निकला, कोई मसला नहीं था ठीक है जी। हमारी जो है एसी की रिले फारिग हो चुकी है, अब एसी तो हमने चलाना नहीं, एसी चलाएंगे हम जाके गर्मियों में और तभी हम सही करवाएंगे। क्यों साथ चलाना है तुमने सर्दियों में एसी लगाए हुए हैं उनका नहीं दिखाना नई इन्वेस्टमेंट करने लगे हम गाड़ी पे, HID का नया ग्रिप ये नया ये आपका हुआ और यार ये HID यकीन कर कभी चल पड़ती थी कभी बंद हो जाती थी, कभी चल पड़ती थी कभी बंद हो जाती थी, सारे शो में आपकी HID बंद रही है, ऐसे ही है ना HID बंद रही है शो में, मैंने कहा यार इसका ग्रिप करा हाँ लेकिन मेरी गाड़ी की बंद हो गई थी HID, ट्राई कर लेते हैं लगता है कि नहीं बोला ओ फॉर द बेस्ट। अभी मतलब कि कोई मसला नहीं है जनरेटर में हमजा, मतलब जनरेटर के हमारे पैसे बच गए और ग्रिप पे पैसे लग गए, करने कुछ आएंगे हो कुछ जाएगा, गाड़ी फिट होनी चाहिए। One hour later. अभी जो है यार हमारा हॉर्न भी ख़राब हो गया ठीक है, उसका भी जो है खर्चा हमें पड़ चुका था और ये हमजा तो कहता भाई ये तो बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन सुफियान ने कहा भाई जान इसी को सही करो, देखा ये बहुत बड़ी फिल्म है भाई बहुत बड़ी फिल्म है ना, टाइम बचाने के लिए भी कहता हॉर्न ख़राब हो गया, वो सुफियान ने कहा वो नहीं ख़राब हुआ उसको एडजस्ट करो, हमजा तेरी मेहरबानी है बाप, वो तो फिर अब किस्मत है ना, लेकिन अभी हो तो सकता है ना सही ट्राई तो कर सकते हो। सुफियान ने कहा तो भाई जान हॉर्न खुल गया है हॉर्न खुल गया है, ये हॉर्न ठीक होगा ये बैठे बैठे जो है बहुत गंभीर रोड आना पड़ गया, सामान शॉर्ट हो गया गाड़ी का यार क्या सीन है सर, रोजाना का चक्कर बन गए हैं। ये लो जी बहुत गंभीर रोड पहुंचने वाले हैं जी, अब आपको सीन दिखाते हैं क्या खरीदना है। अब फाइनली यार फाइनली हमारी गाड़ी का काम हो चुका है और ये बंदा हमारे साथ हॉर्न बजाओ जरा है सही हो गया है वही हॉर्न ठीक किया। अभी जो हम गाड़ी का काम वगैरह करवा घर आ चुके हैं और वो मैं आपको स्टिकर दिखाता हूँ जो स्टिकर हमने इस साइड पे लगाना है इस साइड पे, वो भी आपको स्टिकर दिखाता हूँ। अभी मैं खाला की तरफ आया हूँ रिलेटिव की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ इधर लगेगा वो स्टिकर दिखाता हूँ। तो ये जो जगह देख रहे हैं ना आप ये वाली जगह उस पर ये वाला स्टिकर मैं सोच रहा हूँ, ये देखें ये वाला स्टिकर जो है ना लगाने का सोच रहे हैं इस जगह पे, मतलब कि ये फेंडर से स्टार्ट होगा ऐसे हो के मतलब ये लुक आ जाएगी गाड़ी की यहाँ से,
अब ये शाहरुख भाई से पूछेंगे क्या हिसाब बनता है इसको लगाने का, ये ले मोबाइल पकड़ लो, क्या हिसाब बनता है इसको लगाने का। तो बाकी जो छोटे मोटे काम थे, जनरेटर का हमारा खर्चा बच गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो भाई के चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वो नेक्स्ट व्लॉग अगर हमने वो स्टिकर लगवा दिया तो वो बहुत मज़े का व्लॉग बनने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।